इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंट साउंड्स ऑफ लेटर वाई, और वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ वर्ड्स में लेटर वाई का साउंड मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे कि YELLOW, येलो, यहाँ पर लेटर वाई के साउंड पर गौर करें तो यह है य साउंड, य साउंड के साथ येलो। अब एक और वर्ड की एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें लेटर वाई आ रहा है, CYCLE, साइकिल, सी और वाई मिलकर बना रहे हैं साई, तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर लेटर वाई का साउंड है आई साउंड, य साउंड और आई साउंड। तो ये हो गए लेटर वाई के दो साउंड। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, HAPPY, हैप्पी, हैप्पी, पी और वाई मिलकर बना रहे हैं पी, तो मतलब वाई का साउंड है ई, य, आई और अब ई साउंड। इसी तरह से आखिरी एग्जांपल है PRAY, प्रेई, ये वर्ड भी लेटर वाई पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन इस वर्ड में लेटर वाई का साउंड बिल्कुल ही अलग है जो कि है ए साउंड, य, आई, ई और ए। तो इन चार एग्जांपल्स की मदद से हमने लेटर वाई के चार साउंड्स के बारे में सीखा जो कि हैं य, आई, ई और ए। अब हम एक एक करके कुछ मज़ीद एग्जांपल्स की मदद से इन साउंड्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे य साउंड की। ये लेटर जे नहीं बल्कि य का साउंड सिंबल है। तो देखते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें लेटर वाई का साउंड होता है य। YES, yes, you, your, yellow and young। यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि ये तमाम वर्ड्स लेटर वाई से स्टार्ट हो रहे हैं और तमाम वर्ड्स में लेटर वाई का साउंड है य साउंड। तो इन एग्जांपल्स की मदद से हमने सीख लिया कि जिन वर्ड्स के स्टार्ट में लेटर वाई आएगा वहाँ पर लेटर वाई का साउंड होगा य। अब हम बात करेंगे ई साउंड की। ये भी लेटर आई नहीं बल्कि एक साउंड सिंबल है जो कि ई साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनमें लेटर वाई का साउंड होता है ई। HAPPY, हैप्पी, CANDY, कैंडी, लेजी यानी कि सुस्त, ईजी आसान और स्लोली यानी कि आराम से या आहिस्ता। तमाम वर्ड्स लेटर वाई पर ख़त्म हो रहे हैं और यहाँ पर लेटर वाई का साउंड है ई साउंड। अब बारी है आई साउंड की। ये भी एक साउंड सिंबल है। ए और आई के साउंड्स को जब हम मिलाकर बोलते हैं तो ये बनता है आई साउंड। तो इसका मतलब है कि ये सिंबल आई साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम देखेंगे कि लेटर वाई का आई साउंड किन वर्ड्स में होता है। CYCLE, साइकिल, डाई, बाय, माय, ट्राई। इन वर्ड्स की प्रोनंसिएशन पर अगर हम गौर करें तो यहाँ पर इनको बोलने में लगता है कि यहाँ पर लेटर वाई की जगह ए और आई आ रहे हैं। जैसे सी ए आई को भी इसी तरह प्रोनाउंस करेंगे जैसे सी वाई को किया है। साई, डाई, बाय, माय और ट्राई यानी आई साउंड के साथ। अब बारी है लेटर वाई के ए साउंड की। ये साउंड सिंबल ए साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि DAY, डे, ले, मे, फे और हे। ये तमाम वर्ड्स भी लेटर वाई पर ख़त्म हो रहे हैं लेकिन इन वर्ड्स में लेटर वाई का साउंड बिल्कुल ही अलग है, ए साउंड है। लेकिन इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि आमतौर पर जो वर्ड्स लेटर वाई पर ख़त्म होंगे वहाँ पर लेटर वाई का साउंड होगा ई साउंड, जैसे कि हैप्पी में था, लेकिन यहाँ पर लेटर वाई का साउंड ई से चेंज होकर ए हो गया है। और इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हैप्पी में लेटर वाई पर चूँकि ये वर्ड ख़त्म हो रहा है लेकिन वाई से पहले क्या आ रहा है? एक कॉन्सनेंट आ रहा है, पी एक कॉन्सनेंट है, इस वजह से पी और वाई मिलकर बना रहे हैं पी।
और इस वर्ड में लेटर वाई का साउंड है ई साउंड. लेकिन अगर हम डे, ले, मे, पे या फिर हे पर गौर करें तो यहाँ लेटर वाई से पहले आ रहा है ए, जो कि एक वाउल है. तो ऐसे वर्ड्स जिनमें लेटर वाई से पहले एक वाउल आएगा उनको ए प्रोनाउंस करेंगे, और ऐसे वर्ड्स जिनमें लेटर वाई जो कि आखिरी लेटर है उनसे पहले एक कॉन्सनेंट आएगा तो वहाँ पर ई प्रोनाउंस करेंगे, हैप्पी. तो जो कुछ हमने अभी तक इस वीडियो में पढ़ा है लेटर वाई के साउंड से मुतालिक उसको रिपीट कर लेते हैं. वीडियो में हमने लेटर वाई के चार मुख्तलिफ साउंड्स के बारे में जाना, जो कि हैं य, आई, ई और ए साउंड. ऐसे वर्ड्स जो कि लेटर वाई से स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पर लेटर वाई का साउंड होगा य. तो लेटर वाई का जो य साउंड है इसको कहते हैं कॉन्सनेंट साउंड, और बाकी तमाम साउंड्स जैसे कि आई, ई और ए. और इन वर्ड्स में चूंकि हमें लेटर वाई के वाउल साउंड्स सुनाई दे रहे हैं जैसे कि आई, ई और ए, तो इन साउंड्स को लेटर वाई के वाउल साउंड्स कहा जाता है. तो इस वीडियो में हमने बात की लेटर वाई के मुख्तलिफ साउंड्स के बारे में. इन साउंड्स को अच्छी तरह से समझने के लिए अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए.